अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ हैं आसिफ अनीस, और हम आज आसिफ अनीस से बातें करेंगे रिलेटेड टू फंड रेजिंग और डिसेबल्ड लोगों की मदद के बारे में। वेट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आसिफ अनीस जो हैं, ये क्वाड्रिपलीजिक हैं या कौन से पलीजिक हैं आप? पैराप्लेजिक पैराप्लेजिक पैराप्लीजिक हैं, और इनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, ये नॉर्मल थे, और फिर इनकी जो कमर की रीढ़ की हड्डी है वो टूट गई थी, या उसके ऊपर चोट आई, जिसकी वजह से ये अब इनका जो धड़ है वो नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है, और काफ़ी साल से ये बिस्तर पे हैं। बिस्तर पे होने के बावजूद इन्होंने जो कोई फिल्म देखी, और इस फिल्म में क्या होता है कि एक व्हीलचेयर वाला आदमी मोटरसाइकिल के पीछे अपनी व्हीलचेयर को लेके जाता है, तो उन्होंने एक ऐसी मोटरसाइकिल खुद से बनाई कि जिसके अंदर ये अपनी व्हीलचेयर, जो मोटराइज व्हीलचेयर होती है, वो डालते हैं, और वो गाड़ी जो है, मोटरसाइकिल जो है, वो बैट मोबाइल की तरह ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाती है। फिर ये अपना काला जो चश्मा लगाते हैं, बैटमैन बन जाते हैं, और गाड़ी लेके इधर उधर फिरना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी इनसे मुलाकात को 2-3 साल हो गए होंगे, कुछ ऐसे ही हैं, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि कोई एक ऐसा सेंटर बनाएंगे जिसके अंदर इनकी ख्वाहिश थी कि जहाँ पर जो इन जैसे और लोग हैं जिनको हमारे मुल्क में बांध के रख दिया जाता है, और कोने पे नॉर्मल लोगों की नहीं दाल गल रही होती, तो बेचारा क्वाड्रपलीजिक और पैराप्लीजिक और डिसेबल्ड बेचारे की तो खैर ही है। खैर, तो इनका ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा सेंटर बनाया जाए जहाँ पर एक तो ये लोगों को बेड सोर मेंटेनेंस सिखाएं, और दूसरा ये सिखाएं कि किस तरह से उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया जाता है। आसिफ भाई, आपका माइक्रोफोन म्यूट है जी, तो अपनी थोड़ी सी कहानी सुनाएं। मैंने टाइटल गलत डाल दिया, मैं जब तक वो ठीक करता हूँ। मेरी कहानी ये है कि सर, पहले तो आपसे तकरीबन 4 साल हो गए आपसे दोस्ती को, और कहानी कुछ यूँ थी कि सर, 2004 पे मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, और जिसके बाद से मुझे कंप्लीट जो है मेरा लोअर पार्ट जो है वो पैरालाइज हो गया था, और फिर उसके बाद काफ़ी काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी, क्योंकि इस तरह की जो है वो आपको हॉस्पिटल से बाद भी आपको डिस्चार्ज करने के बाद आपको कुछ गाइड नहीं किया जाता था कि आपने आगे की लाइफ को कैसे गुजारनी है। तो बस इसी कंडीशन में गुजरते रहे शुरू के 1 साल, तो तकरीबन मैं हॉस्पिटल में ही, डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट होता रहा, और फिर उसके बाद ही मैं ये बाइक बनाने में लग गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत के बाद जो है वो बाइक बनाई, और फिर जब बाइक बनाई तो फिर इस तरह के जो स्पाइनल कॉर्ड के जो और लोग हैं उन लोगों को तलाश करना शुरू किया, फिर 1 से 2 मिले, 2 से 3 मिले। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची और पूरे पाकिस्तान में स्पाइनल कॉर्ड के काफ़ी दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जब बाइक बनाई और इन लोगों के पास जब इनसे मिलना शुरू किया, तो सबकी वही प्रॉब्लम और वही इश्यूज थे जो मैं इन सालों में देख चुका था अपनी लाइफ में। तकरीबन इस बाइक को बनाने बनाने में मुझे तकरीबन 9-10 साल लग गए थे। तो जब इनको फिर इनको जब मिलता था तो बहुत सारे लोग यानी कि नाउमीद और सिर्फ एक कोने में पड़े रहते थे। तो फिर जब उनसे मिलता था
कोई किसी का लियारी में पता चल रहा है, किसी का सरजानी में पता चल रहा है, किसी का मलीर में पता चल रहा है, तो उनके पास जाता था, उनसे मिलता था, और ताकि जो प्रॉब्लम्स मुझे हो चुकी हैं और जो चीज़ें, जो खराबियां मेरे अंदर हो गई हैं, वो औरों के साथ ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह काफ़ी दोस्तों को ढूंढ चुके हैं और काफ़ी दोस्तों को वो चीज़ें हम बता चुके हैं जो एक डॉक्टर ने नहीं बताया था, और जो अगर मुझे भी पहले पता होती तो शायद ये सब प्रॉब्लम्स और ये सब जो तकलीफें मुझे आज हो रही हैं वो शायद नहीं होती। तो अल्लाह का शुक्र है फिर भी के जो नए लोग हैं उनको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अब जैसे जो नए केस होते हैं वो आराम से शिफ्टिंग भी करना सीख जाते हैं, और दूसरे इश्यूज होते हैं हमारे, उन पे भी उनकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। और क्योंकि मुझे जो है वो तकरीबन 8 साल तक मेरी बैक पे जो है वो रॉडे लगी रही थी, और वो काफ़ी हैवी वेट था जिसकी वजह से मैं ना बैठ सकता था और मुझे सिर्फ उठा के बिठाया जाता था, मैं करवट भी खुद नहीं ले सकता था। पर जब से रॉड मूव हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करवट लेना खुद से शुरू कर दी है। और दूसरा ये है कि अभी भी शिफ्टिंग में मुझे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि 2 साल पहले इन्फेक्शन की वजह से मुझे एक टांग भी कटवानी पड़ी थी अपनी, तो शिफ्टिंग में मुझे प्रॉब्लम है, पर यह है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं करवट वगैरह आराम से ले लेता। एक टांग तो कटवा दी, दूसरी टांग भी कटवानी है। हाँ चली जाए, वो भी किसी काम की तो नहीं है फिलहाल। थोड़े दिन संभाल लें। इलोन भाई जो है वो कोई डिवाइस वाइस बना रहे हैं खोपड़ी में लगाने के लिए, जो आपकी टांग चलने लगेगी तो शायद काम आ जाए। 5-6 साल लगेंगे लेकिन उसको बाजार में आने में, सस्ता होने में। आ तो जाएगा इस साल वो, लेकिन वो बेसिकली आप ही जैसे लोगों के लिए है कि वो एक यहाँ लगा देंगे और एक पीछे लगा देंगे, उसी में वाईफाई होगा और वो आपस में कनेक्शन, जो वो कमांड भेज देगा नीचे नर्व्स को। उसका नाम है न्यूरल लिंक, आपने शायद देखा हो, नहीं तो गूगल अलर्ट पे लगा दी न्यूरल लिंक के बारे में, जाके हाँ जब भी शिव इन्फॉर्मेशन आए तो आप। जी 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 वो काफ़ी पहले उसका सुना था, पर उसका कोई ख़ास रिजल्ट अभी तक कोई ना, क्योंकि यहाँ तो तो खैर इतना कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता गरीब। दो तीन साल से अभी तो उसका FDA में अप्रूवल जाएगा, अभी तो इंसानों पे लगा भी नहीं सकते, अभी तो वरना सुअरों में लगा। तो उसकी तो टेस्टिंग हुई है, लेकिन आप उम्मीद रखें, अगर टांग कटवा देंगे तो ग्रो करना मुश्किल होगा, लेकिन बेहतर यह है कि अगर संभाल सकते हैं उसको और थोड़े दिन तो संभाल लें, 4-5 साल और निकाल लें। नहीं संभाल ही रहे हैं रियान भाई, पर यह है कि इसकी वजह से ज़रा से और दूसरे इश्यूज हो गए, और क्योंकि एक साइड जो है ना मेरी थोड़ी सी वो झुकने भी लग गई है, और इसकी वजह से। पर यह है कि नाउमीद तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं हुआ है जब भी, तो ये बल्कि मैं तो डॉक्टरों को कह रहा था कि सर मुझे बहुत काम करने हैं, अगर हो सके तो ये मेरी दोनों टांगें निकाल दें ताकि मैं आराम से और काम मजीद कर सकूं, पर वो उल्टा मुझे तसल्लियां देने लग गए थे। उनको भी तो आप जैसा ही किट मिला होगा ना। हाँ ये तो उन्होंने खुद कहा था कि आप जैसा पेशेंट नहीं मिला मुझे अभी तक। सही। अच्छा, अब आप जो है कराची में एक वर्कशॉप बनाना चाहते हैं, आपको आपने अपना मेमन बोर्ड में एक सेंटर बनाना शुरू कर दिया है जहाँ जी आपके दो जी कमरे भी तैयार हो गए हैं, अब आपको वहाँ जी पे एक वर्कशॉप बनाना है। उस वर्कशॉप में क्या करेंगे? वर्कशॉप में फिलहाल तो ये बाइक्स वगैरह बनाएंगे और इस तरह की व्हील चेयर्स, क्योंकि हमारे यहाँ जो व्हील चेयर है ना, जो यानी कि एक तो वो व्हील चेयर है ही नहीं, वो हमारे यहाँ समझें वो ट्रॉली है, उसमें हम लोग ना शिफ्ट हो सकते हैं ना वो उसमें हम आराम से कंफर्टेबल होके बैठ सकते हैं। अब जैसे बाहर मैं देखता हूँ, बाहर जो है वो मैनुअल व्हील चेयर जिसमें जो यानी कि कुछ भी नहीं है, और वो अगर उसके प्राइस आप मालूम करें तो वो 1.5 1.75 2 2 लाख रुपए की है। वही चीज़ अगर हम यहाँ बनाएं तो वो बामुश्किल 30 से 35 हज़ार या इनफ 40 हज़ार रुपये में वो बन जाएगी, जिससे एटलीस्ट डिसेबल पर्सन की लाइफ में एक तो बेहतरी आएगी, उनकी पोजीशन जो है वो जो ख़राब हो जाती है, जो हमारी जो व्हील चेयर है उसकी वजह से काफ़ी पोजीशन जो है वो डिसेबल पर्सन की ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो उनके हिसाब से बनी हुई नहीं है। तो जब इस तरह की चीज़ें जो डिसेबल पर्सन की नीड है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो कोशिश है कि उस वर्कशॉप में हम वो सारी चीज़ें बनाएं जो एक डिसेबल पर्सन की लाइफ को आसान कर सके इंशाल्लाह।
जी वेलकम बैक। सॉरी मेरा इंटरनेट खराब हो गया था। अच्छा तो हेलो। बाहर कौन सी व्हीलचेयर जो है आपको आपको नहीं मिल रही है? ये नहीं, बाहर तो हर चीज अवेलेबल है, पर बाहर से इतनी महंगी कौन अफोर्ड करेगा यहाँ पे। यार जिस मुल्क में प्याज और भी बाहर से आती हो आप वहाँ से आप वहाँ पे बनाने की बातें कर रहे हैं। मेरा तो सजेशन है कि आप जो है वो इम्पोर्ट कर लें, किसी इम्पोर्टर से मिल लें और अच्छी क्वालिटी की इम्पोर्ट कर लें। तो सर वो उसकी हर कोई कॉस्ट अपनी, यहाँ तो बेचारा कोई, बाज लोग तो ऐसे हैं जो जिनके पास आपको अच्छा यूरिन बंदा बैग। दिलवा देते हैं, जरूरी थोड़ी है कि सारी ठगू हो। आपको अगर सॉरी कोई अच्छा बंदा नहीं मिला तो कोई अच्छा बंदा इम्पोर्टर ढूंढ देते हैं, जरूरी थोड़ी है कि सारी गड़बड़ लोग हों। नहीं, वो तो नहीं है, अफोर्डेबल भी काफ़ी है, ऐसा नहीं है, मगर ये है कि सिर्फ अफोर्डेबल के लिए ही सोचेंगे तो उनका क्या होगा जो बेचारे नहीं खरीद सकते। तो क्यों ना हम बाहर से बनाने मंगवाने के, हम जब वही चीज़ यहाँ बना सकते हैं और उनके कम पैसों से बना सकते हैं। और यार पापड़ तो हम चाइना से मंगा रहे हैं, आप व्हीलचेयर यहाँ बनाने के चक्कर में पड़े हैं। पापड़ बना लो, पापड़ बेच के इससे पैसे आएंगे, इससे व्हीलचेयर मंगा लो। ये तो ड्यूटी फ्री आइटम है, इस पर टैक्स भी नहीं है, तो आप क्यों यहाँ बनाने के चक्कर में सर पड़े हैं? ये सिर्फ पेपर वर्क है, ड्यूटी फ्री, आप कुछ भी लेने जाएं कोई ऐसा नहीं है। हमारे पेपर में तो जैसे मैं आपको टेंशन नहीं है, मैं आपको अच्छा बंदा ढूंढ देता हूँ जो आपको इम्पोर्ट कर दे। आप मुझे शक्ल बताएं, अलीबाबा पे जाएं, आइटम सेलेक्ट करें, 10 पीस मंगा लेते हैं, देख लेते हैं कितने की पड़ती है। ठीक है, अलीबाबा मेरे सामने खुला हुआ है सब बल्कि पर। आप सर्च करें अभी, स्मार्ट व्हील चेयर लिखें, जी मैं आपके आप सामने आ मेरी जाएगी। स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अब आ रही है? अब ये सारी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें स्टैंडिंग व्हील चेयर भी है, ये स्टैंडिंग है, ये अफोर्डेबल व्हील चेयर है। तो ये देखो ना कितने कितने की, $350, ₹50,000 हो गए, क्या बुराई है इसमें? ये तुम कहाँ बनाते फिर हो गए, मंगा लो 10-15 पीस। बहुत डराइज है ये पूरी। यहाँ कितने की मिलती है? यहाँ पर तो इस तरह की कोई अभी है ही नहीं यहाँ पर। वैसे जो अभी जो मैंने उनके साथ मिलके जो काम किया था, आदम वालों के साथ, तो उन्होंने ये बना के दे रहे हैं, ये जैसे 90,000 की दे रहे हैं ये। ये वाली थी ना, वो तो इस तरह की उससे हल्की थी, ये तो ज्यादा ही ये जो सूझा। आपने जो दिखाई हुई है ना, ये आपने दिखाई हुई है, ये ज़्यादातर चाइना की हैं, हाँ और सही है ना। और यहाँ पर ये जो है ना, ये यानी कि इनमें बहुत शिकायतें आई हैं, दो तीन लोगों के पास हैं, वो इतनी लॉन्ग टर्म चलती नहीं है। अब जैसे मेरी वाली है, वो इम्पोर्टेड है, और समझें वो तकरीबन मैं कोई उसको 12 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ किस बैटरी के अलावा मुझे कंपनी वो है, इसका क्या नाम है, बिल्कुल जहन से निकल रहा है, इसका नाम अभी जहन में नहीं आ रहा है हमें। की? आप मुझको अलीबाबा पे जाएं, आइटम सेलेक्ट करें और मुझे बताएं कि आपको कौन सी व्हीलचेयर मंगानी है। मैं आपको 5 पीस मंगवा के देता हूँ, और उसके बाद फिर उनसे उनसे आप एजेंसी ले लें। जब आपके ज़्यादा पीस बनने लगे तो आप यहाँ बना लीजिएगा। मोटरसाइकिल जो आपको बनानी है वो भी, मेरा तो मशवरा है कि आप चाइना से मंगा लें, वो भी बनाने के चक्कर में ना पड़े। यहाँ पे ठीक करने का सिस्टम बना लें, बनाने का सिस्टम अभी ना बनाएं। नहीं, बनानी तो सर यही है, फिर पाकिस्तान का भी तो नाम होना चाहिए ना, क्या चाइना का ही होता यार रहेगा। मैंने कहा ना तुम पापड़ बना लो पहले, प्याजे बना लो, जो चीज लगा सकते हो वो तो कर नहीं रहे। सिंपल चीजें नहीं बना रहे, कॉम्प्लिकेटेड चीजें बनाना चाहते हो। मुझे बताओ जिस मुल्क में पापड़ पापड़ इम्पोर्ट होता हो, हैं बच्चों के चार्जर आने के खिलौने इम्पोर्ट होते हो, दालें इम्पोर्ट होती हो, वो तुम कह रहे हो कि मैं जो है वो व्हील चेयर बनाऊंगा, गाड़ी बनाऊंगा। भाई बना लेना, पहले पापड़ तो बना लो, पहले डायरेक्ट तुम्हें रॉकेट बनाना है। एटम बम बना लिया हमने, पानी दे नहीं सकते नल के हैं, ऐसे एटम बम का क्या करें, सर पे मार लें अपने?
ये भी है। पहले बेसिक्स बनानी चाहिए या पहले पहले पहिया बनाना चाहिए, पहले गाड़ी बनानी चाहिए? पहले तो सर ड्राइंग बनानी चाहिए, पहिया तो बाद में लेते हैं। तो मेरा मेरा मशवरा है आपको कि बजाय इसके कि आप देखें, मैं भी आपकी तरह जब मैंने अपना काम शुरू किया था ना, सबसे पहले तो काम से भी पहले जब मैं स्कूल में था तो मुझे खप था, खप था कि जी चीज़ों के ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा होना चाहिए। तो मैंने सारे अपनी जमा पूंजी लगा के चीज़ें बनाना शुरू कर दी, एक भी नहीं बेच सका। और मुझे बहुत शौक था कि जी मेड इन पाकिस्तान हो, ये हो, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, टाइम होता है। मैंने कहा ना, जो चीज़ हम आसानी से बना सकते हैं वो तो हम बना नहीं रहे, और जो चीज़ मुश्किल है उसको कह रहे हैं कि पहले वो बनाएंगे, तो ये तो लॉजिकल नहीं है ना यार। बात वो समझ बना भी तो दिए लो बाइक, वो तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मेरी। पर मुझे तो मुश्किल तब लगे ना जब मैंने बनाई ना हो। मसला ये नहीं आसिफ के मुश्किल नहीं है या ज़्यादा नहीं है, इम्पोर्ट। अब आप हेलमेट बेचते थे, बना भी सकते थे ना, लेकिन जो चीज़ आराम से इम्पोर्ट हो सकती हो उसको ना बनाओ, जो चीज़ अपनी आराम से बन सकती हो उसको बनाओ। चले मैं आपको फिर कुछ व्हीलचेयर्स की पिक्चर सेंड करूँगा। बिल्कुल करें। क्योंकि इस तरह जिस तरह की आपने जो अभी जो व्हीलचेयर भेजी है, लाहौर में एक हैं वो बना रहे हैं इस तरह की व्हीलचेयर, पर मैनुअल व्हीलचेयर ना जो बेसिक नीड है हमारी, जो हम यानी कि वो इस तरह की व्हीलचेयर यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, यार और तुम्हें अगर जो वो चाहिए है ना तुम मंगा लो, मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, तुम्हें जो चीज़ की जरूरत पड़ रही जी है तुम वो मंगा लो, जी मंगा देते हैं तुमको। ये आ गई थी मोटरसाइकिल, गैसोलीन, ये कैसे डिसेबल के नाम से लिखा हुआ है। अरे ये $1,000 की है, 1,50,000 की है। नजर ही नहीं है तुमको? नहीं नहीं आ रही है मुझे। नहीं आज आज मैं देख रहा था, 1,10,000 या 20,000 की मोटरसाइकिल मिल रही है, रैंप वाली, देखिए तुमने, यूनाइटेड कौन सी सर? की, यूनाइटेड की मोटरसाइकिल मिल रही थी रैंप वाली, 1,50,000 रुपये। नहीं मैंने नहीं देखी। उसके अंदर तुम्हारा रैंप आराम से लग जाएगा। नहीं ये सर ये जो है ना अच्छा ये हमें ड्राइव में बहुत मुश्किल होगी, इसमें सिर्फ इसमें यानी कि ये हाँ ड्राइव में भी मुश्किल होगी, और जो क्योंकि ये हाइट पे है। अच्छा चलो, बहरहाल तुम तो जिद्दी आदमी हो, बात तो मानते नहीं हो जो नहीं तुम्हारे दिमाग मानता में। हूँ जो दिमाग में लगती है वो फौरन मान लेता हूँ। तो दिमाग में जाने की जब सुराख करोगे तो अंदर जाएगी ना बात, ढकना खोलोगे तो अंदर बात जाएगी। अभी सेंटर में बहुत धूप ने ना सारे सुराख खोल दिए हैं सर, धूप और मक्खियों ने जितने सुराख थे ना वो सब खोल दिए हैं सेंटर में जाके। अच्छा चलो, हम तुम्हारे सेंटर के लिए एक तो सोलर का इंतजाम पहले कर लेते हैं, फिर जो तुम्हारी वीडियोस हैं वहाँ पे तुम बनाओ, ताकि लोग बेड शोज भी करना शुरू करें, और जो तुम्हें वर्कशॉप के लिए लिस्ट बना लो कि क्या क्या चीज़ें चाहिए बेसिक्स, वो मुझे लिस्ट दे दें,
फिर हम डिफरेंट दोस्तों से रिक्वेस्ट कर देंगे, वो ऐसे ही फंड रेज कर देंगे, नहीं तो जो भी फंड रेजर करना चाहेगा। आपको मेरे ख्याल में 5-10 लाख रुपए से ज़्यादा का सामान तो देनी चाहिए। ठीक नहीं, अभी तो इतने से ज़्यादा का नहीं चाहिए। है, तो आप बता दें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो हम खुद से अरेंज कर लेंगे या लोगों को कह देंगे। ठीक है, लेकिन अपनी ठीक जिद है, की जो है ना, उसको सोचा ज़रा कम करें, ज़रा ज़्यादा करें, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के। बस आपको जो है ना एक्सपीरियंस है हाथ से काम करने का, और बहुत सारे जो इम्पोर्टर्स हैं, अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं ना, तो बनाने से अच्छा है कि आप इम्पोर्ट कर लें चीज़ों को शुरू में। और ज़रूर अब बेड शोर का हॉस्पिटल बनाना है या वो ट्रीटमेंट सेंटर बनाना है, वो तो इम्पोर्ट नहीं हो सकता, वो तो आप ही ने करना है, वो आप करें, उस पर फोकस करें। जो चीज़ें आपके करने की ना, उस पर फोकस करें, बजे जो चीज़ दूसरा कोई कर सकता है वो आपको नहीं करना चाहिए, वरना देखें बातें करते करते ही 3-4 साल निकल गए, तो ये बातें होती रहेंगी, अल्लाह मियाँ से कहेंगे अच्छा भाई छुट्टी का टाइम हो गया वापस आ जाओ, फिर क्या पूरा होगा, काम ही पूरा नहीं होगा, फिर क्या करेंगे, घंटी बज जाएगी। घंटी तो सर रोज बजती है, रोज उठ जाते हैं सुबह। हाँ, लंबी घंटी बजने वाली है। बल्कि मामू से भी मैं कह रहा था घंटी पे, मैंने बोला मामू जब मेरी घंटी की आवाज आप सुने ना तो आपको बिरयानी नहीं गुलाब जामुन खानी होगी। तो अच्छा कहने लगे क्यों भाई गुलाब जामुन क्यों? मैंने बोला आप मुझे एक बात बताएं, जब आप अपने दोस्त से मिलने जाते हैं तो आप नमकीन लेके जाते हैं या मिठाई मिठाई लेके जाते हैं? कहने लगे हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो। मैंने बोला मामू सबको बिरयानी बिरयानी खिला खिला के ना आदत खराब कर दी दी है, लोग मैयत में भी नहीं आते। तो मैंने तो अपने दोस्तों को भी वसीयत की भी है भाई गुलाब जामुन जो है ना कब्रिस्तान लेके जाना टोकरे में, और अहबाब की लेके जाना क्योंकि मैं भी अहबाब की गाता हूँ, और वहीं सबको खिला के बोलना अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। आज आज मेरी वसीयत में आप भी शामिल हो गए, बल्कि अब क्या तो बहुत क्या सारे लोग शामिल हो गए कि जब भी घंटी बजे अफसोस करने की जगह खुशी में एक मिठाई खा लेना है। इन 16 सालों में बहुत बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ समझ में आया, अल्लाह का शुक्र है। वो जो गुद्दी में जो आप कहते हैं ना जिद, और वो शायद इसी वजह से ही है, क्योंकि अब बात चीज़ें ऐसी होती है ना जो मेरे सामने है और आप मुझे कह रहे होते हैं करें, तो मैं रुक जाता हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं इनसे झूठ बोलूँ, इनकी हाँ में हाँ करूँ, लारे लप्पे दूँ? तो ये तो शायद अल्लाह ने मुझे मेरे अंदर डाली ही नहीं है ये चीज़। जब भी आज मैं पीछे हूँ, जब भी मुझे कोई एनजीओस वाला घास भी नहीं डालता। अच्छा, तो मैं एनजीओ का क्या करना है, जरूरत क्यों है मैं एनजीओ की, तुम अपनी एनजीओ नहीं खुद। पहले की बात बता रहा हूँ, मैं पहले की बात बता रहा हूँ, जब शुरू में कुछ दोस्त यानी कि जो मेरे कज़न है उसकी भी एक टांग कट गई थी बेचारे की, वो मुझसे पहले का था, तो वो उसने मुझे मिलाया था। पर मैं वही वहाँ जाके भी यही देखता था कि सियासत है, कुछ लोगों ने बस 3-3 4-4 लोगों को जमा किया हुआ है, बस उन्हीं को देख रहे हैं। भाई जब आप ड्यूटी लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको इस काबिल करें, दूसरों को लेके आए ताकि वो आगे को इस काबिल करें। यहाँ इस काबिल नहीं किया जाता, सिर्फ जो है ना बस वो आधी मछली खिला दी जाती है भूखे पेट ताकि वो कल को भूख लगे तो फिर वो आधी मछली उसको दे दें। किसी को शिकार करना नहीं सिखाया जाता जिस तरह आप सिखा रहे होते हैं। अच्छा ये बताओ कि हमें इंटरव्यू के लिए करने के लिए लोग चाहिए जो डिसेबल्ड हो, कैसे मिलेंगे? बहुत हैं, अबे बहुत तो हैं, 5 दे दो ना उनमें से, मैं क्या करूं, किस तरह से, क्या 5 दे दूं। ग्रुप। हाँ मैंने वो 5 ग्रुप बनाया तो था व्हाट्सएप का, उसमें कुछ कर तो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक फरीन बड़ी उस वो कर रही है। मसला ये है कि कुछ लड़कियां और भी करनी चाह रही थी, पर ये था भी नहीं है कि मेरे पास उनकी तो फिलहाल डिसेबल्ड। नहीं ना, व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया, शाहजेब के साथ है वो, मरियम के साथ भी है, फरीन हसीब करके है, पोलियो है वो, अच्छा आज मुझे भी नहीं उसके पता, काफ़ी इंटरव्यूज वगैरह हुए थे, फरीन 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 हसीब, हसीब। अच्छा मेरे में नहीं। अच्छा और दे दें फिर, 5 की जगह तो है हमारे पास खाली। 5 की जगह मेरी गुंजाइश है उस 5 में। तुम भी आ जाओ।
तेरी बात नहीं ही वो कर रहा है तो नहीं, मैं काम करने वाला हूँ, बात तो मैं नहीं करता, बात आपके सामने ही, आप तो मुझे बोल बोल के थक गए, वीडियो बनाओ। अगर मैं सर बात करने वाला बिल्कुल होता तो मैं बैठ के वीडियो ही बना रहा होता, बल्कि आपने तो मुझे ऑफर भी बहुत अच्छी दी थी कि वीडियो बनाओ और मुझसे सैलरी ले लेना। फिर भी नहीं है नहीं तो सर, मैं अपने फायदे के लिए आपसे सैलरी क्यों लूँ? इसमें तो वीडियो बनाने से तो मेरा फायदा है ना, औरों को फायदा। ना, कहाँ जाऊँ किसको खाऊँ। नहीं, सर मुझे अगर थोड़ा सा समझना है ना आपको, एक मर्तबा रिजवान फैक्ट्री वाला से आप मिलिएगा कि मुझसे उन्होंने कुछ सीखा है या ऐसे ही आ गए 2 दिन से। ऐसे ही आ गया वापस से, उन्होंने गारंटी कहता हूँ कि वो ये नहीं बोलेंगे, ये बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई मैंने उनको बात समझा दी है, वो है ना अमार भाई का शेर क्या है, जिससे बोलो जिससे पूछो सुनने कम समझाए बहुत। वो भी यही कह रहे समझाए थे कि भाई बहुत। आप बहुत सारी चीजें समझा के आ गए थे नहीं, तो मैंने आप उनके काम की चीजें, काम से रिलेटिव सारी चीजें सुनी। कुछ दूसरी चीजें हैं जहां वो कंफ्यूज हो रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है वो क्लियर हुआ है थोड़ा सा उनसे। नैन से बात करें हम, या आपसे बात करना ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ कम आ रही मैंने है। गया हूँ इसलिए बात कम आ रही है, सोते हुए सुन आवाज रहे भी ऐसे आ रही तुम्हारी है, जी। सोते हुए भी बोलते हो तुम। फोन चैट पर ही तो लेटा हुआ ना तो इसलिए आवाज कम आ रही है वो भी तो चारपाई पे लेटे हैं, उनकी जी। आवाज तो पूरी पूरी आ रही है। अरे आसिफ भाई भी तो चारपाई पे लेटे हुए हैं, उनकी आवाज तो पूरी आ रही है। मैं ना कम इसलिए बोल रहा हूँ, घर वाले सारे सोए हैं तुम छत पे आ जाओ, जी। नींद नहीं आ रही तुमको? अच्छा आसिफ भाई ये भी आपकी तरह हीरो है बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम अंकल, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। हाँ मैं ठीक ठाक अंकल। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, पूरा हफ्ता हो गया आपसे बात ही नहीं हुई है मेरी आपकी। दिल तड़प रहा होगा तुम्हारा, हाँ जी अंकल, दिल तड़प रहा बड़ा होगा मन, तुम्हारा, हाँ पूरा जी हफ्ता अंकल, होगा। मेरी ख्वाहिश है कि डॉक्टर अमेज़न बन के रहूँ। अच्छा अंकल, वो ना डोमेन नेम मैंने खरीदा है डॉक्टर अच्छा जुल्कन अमेज़न डॉट कॉम, यार, तुम आसिफ भाई से बात तो करो, नहीं अंकल आसिफ भाई आपसे से, करनी आसिफ वो, भाई से पहले बात क्यों करो यार। अंकल वो ना मैंने सुबह नहीं उठना भी है 8 बजे यार, तो अंकल अंकल उनकी उनसे अंकल वो उनसे ना कर लें अंकल, टैक्स थोड़ी सी बात कर लें। अल्लाह नहीं यार, टैक्स आईडी मांगता है वो pkgodaddy.com वाले। उसको कहना मेरे पास टैक्स आईडी नहीं है, मैं टैक्स नहीं देता हूँ, मैं नक्कासा हूँ। नहीं मुझसे वो आ गए उसके बात बगैर साइन इन मैंने कर ली है, 20% मेरा अकाउंट मुझे मिल गया डोमेन नेम, तो अच्छा। गूगल साइन अप मैंने स्टार्ट किया, तो वो कह रहे कि टैक्स एडिड हो, तो टैक्स एडी मेरी है ही नहीं शिनाख्ती कार्ड नंबर डाल दो, जी। शिनाख्ती कार्ड नंबर डाल दो। शनाख्ती कार्ड नंबर, चलो वो मैं डालूंगा अंकल। बड़ा मजा है अमेजोन का, ओहो इतना कुम मजा है ना, मैं अभी भी मेरी प्रोफाइल चेक किया करे हर रोज डेली। अच्छा, हाँ जी तो इतनी आसिफ भाई को इन्फॉर्मेशन बताओ ना अमेजोन क्या जी। होता है, अमेजोन का मजा बताओ आसिफ भाई को, क्या हुआ आसिफ भाई को अमेजोन का मुझे मजा बताओ। मुझे बताएं अमेजोन क्या होता है, मुझे नहीं पता। अमेजोन ये होता है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसमें करोड़ों के अरबों के साथ हिसाब से लोग काम करते हैं अमेजोन के ऊपर, डिजिटल रिपोर्ट्स के जरिए।
दुनिया में काम होता है। हाँ अच्छा, जी, तो क्या क्या काम होता है, जरा कुछ तफसील से बताएंगे थोड़ा, उसमें क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता जैसे इस बारे में। जैसे वो प्रोडक्ट्स वगैरह, जैसा कैमरे है, मोबाइल है, ये सारे वगैरह, ऊपर सेल वगैरह होती है ऑनलाइन, वो उसे अच्छा। कहते हैं अमेजोन। हाँ जी, तो आप भी अपनी कोई साइट वगैरह बना के इस पे काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं अभी? नहीं अभी तो मैंने डोमेन नेम लिया, तो वो टैक्स आईडी वगैरह मांग रहा है, उसके बाद ही शुरू करना है। जी, तो और क्या समझ में आया इसमें आपको? और मैं फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैंने ग्रुप्स भी बनाए हैं, पेज भी बनाए हैं। वेदर गुरु नहीं अच्छा, है जैसे चैनल ब्लॉगिंग, ऐसे का मैंने अपना चैनल भी बनाया है, आप जाबार वेदर गुरु जुलकन है। अच्छा जबरदस्त। हाँ जी, उधर हाज और की डेली की पोस्ट करता हूँ। आप तो मुझसे बहुत फास्ट हैं। हाँ जी अंकल, यहाँ किधर गए हैं? अंकल कहाँ है? लड़के हैं, उनको तुम अंकल बोल बोल के तुम उनको बुड्ढा बनाए जा रहे हो। अंकल वो तो लड़के हैं अभी, यानी लड़का कि तो तुम नहीं मुझसे। तुम उनको अंकल बोल के अपने आप को छोटा बना रहो, भाई बोल जी, दो। देखो ना अंकल भी तो भाई है ना। अंकल भाई कैसे हो गए? भाई अलग होता है, अंकल अलग होता है। हेलो, सर जी, थैंक यू। तो एवरीवन, आप में से कोई भी अगर डोनेशन देना चाहे रिहैबिस्तान के प्रोजेक्ट को, तो काइंडली आसिफ को आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे थ्रू पैसे भेज सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप मेरे पेपैल पे भेज दें, मैं इनके अकाउंट में डाल दूंगा। और फिलहाल जो है ये तकरीबन $10,000 रेज कर रहे हैं, जिसके अंदर ये वर्कशॉप बनाएंगे अपना, और कंप्यूटर्स हैं और चीज़ें हैं, और मैकेनिकल वर्कशॉप ये अपना बनाना चाहते हैं। इनके सेंटर में अगर आप किसी भी डिसेबल को जानते हैं जिसको बेड सोर्स हैं, कराची में है, कराची में बाहर है, तो आप इनसे कनेक्शन करा दें, ये उनका ख्याल करते हैं, केयर करते हैं, और जो उनके पास है मैं उसको शेयर। आवाज चली गई, चलें जी, शुक्रिया एवरीवन। और आप में से जो भी इन टच रहना चाहे इनसे काइंडली डायरेक्ट भी कर लीजिएगा। शुक्रिया, सलाम।